दोस्तों, अगर आपने YouTube पे नया नया चैनल बनाया है तो आपके अंदर काफी जुनून होता है, और ऐसे में वो बंदा वीडियोस देखता है कि YouTube चैनल से किस तरह से जो लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों वो देख के मोटिवेट हो जाता है और उसके तन मन धन में एक आग सी लग जाती है, और जब उसके आग लग जाती है जुनून पैदा होता है और वो दिमाग में रखता है कि बस मैं यूट्यूब चैनल यूं बनाऊंगा और मेरा YouTube चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और फटाफट व्यूज आएंगे, फटाफट मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसके बाद दे पैसा 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 पैसा, पैसा कमाऊंगा। बट दोस्तों उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करता है, जो उसके साथ एक कैमरा लेता है, एक ट्राइपॉड लेता है और एक सेटअप बनाता है। उसके बाद वो मेहनत करता है एक महीना। जब उसको मेहनत करते करते एक महीना हो जाता है, तब उसको असली बात का पता चलता है कि YouTube पे ग्रो होना आसान काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये 2016 नहीं है, 2017 नहीं है, 2018 नहीं है, 2019 भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने 2016 में चैनल बना लिया होता, 18 में बना लिया होता, तो आपके पास काफ़ी सारे सब्सक्राइबर होते और आप काफ़ी कुछ अर्निंग कर चुके होते। क्योंकि दोस्तों उस टाइम कंपटीशन का ज़माना नहीं था। अगर आपने तोड़ मोड़ के कहीं से भी वीडियो शूट कर लिया, अगर वही वीडियो डाल दी तो वही वीडियो आपकी वायरल हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑडियंस थी। और आज दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर्स भी है, और YouTube भी पहले किसी भी तरह की वीडियोस को वायरल करता था, बट दोस्तों अब ऐसा नहीं है। आपकी वीडियो में अच्छा एफर्ट होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट काफ़ी होना चाहिए, आपकी बात दूसरे तक समझ आनी चाहिए, तभी YouTube आपके YouTube चैनल को ग्रो करता है। कुल मिला के बात यह है, जब वो मेहनत करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, करीब करीब एक महीने की वो मेहनत कर देता है और उसके बाद उसको लगता है कि शायद मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और वो हार जाता है, एक थक सा जाता है। उसके बाद सोचता है कि शायद मैं YouTube से कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वो दोस्तों बिल्कुल कह सकते हो कि YouTube छोड़ना बंद कर देता है, और उसके बाद उसकी जो जर्नी है वो रियल में स्टार्ट होती है। उसके बाद वो वीडियो देखता है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर, हाउ टू इंक्रीज व्यू ऑन यूट्यूब चैनल। उसके बाद वो देखता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अब उसको पता चलता है कि एक अच्छी एडिटिंग भी जरूरी है। अब उसको पता चलता है कि अच्छा मेरे को कंटिन्यूसली काम भी करना पड़ेगा, डेली वीडियोस डालनी पड़ेगी। उसके बाद उसको पता चलता है कि मुझे बोलना भी सही से आना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं अगर वो बंदा दूसरा सही से सुनेगा तो शायद मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा। फिर उसको बाद पता चलता है उसको कि मेरी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर बाद में पता चलता है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है, इधर का उधर का, जो कहीं बाल्टी रखी है या कोई ऐसे ही मतलब कपड़ा टंगा रखा है, वो सब हटाना पड़ेगा। उसको आराम आराम से बातें मतलब पता लगती रहती है और उसके बाद उस पर इम्प्रूवमेंट आता है, करीब करीब 3 से 4 महीने। दोस्तों अगर YouTube से ही सीख रहे हो और YouTube पे ही वीडियो बना रहे हो तो करीब करीब आपको 6 से 7 महीने सीखने में लग जाएंगे। अगर हाँ आप कहीं वर्किंग करते हो, आपने कोई अच्छी डिग्री की है, आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, आपने बीटेक किया है, आपने एमबीए किया है, बीबीए किया है, एक अच्छी हायर एजुकेशन की है, तो ऐसे में आपके पास स्किल तो जरूर होगी, आपके पास मैच्योरिटी भी जरूर होगी। आपको इतना तो पता चलेगा कि मैं जो वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं वो अभी परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, ये सब बातें आपको यहाँ पे पता चलती रहती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो जर्नी है कुल मिला के वो 6 महीने बाद स्टार्ट होती है। अब कई सारे बंदे ये सोचेंगे कि उस बंदे का चैनल तो 8 दिन में ग्रो हो गया, उस बंदे का चैनल तो 1 महीने में ग्रो होगा, पर रियलिटी दोस्तों ये है कि वाकई में 4 से 5 महीने, करीब करीब 6 महीने लगते हैं आपको ओवरऑल सारी चीजें सीखने में। अगर आपने 6 महीने YouTube पे काम कर लिया और आपका जुनून पहले जैसा ही है, आपका जुनून इसी तरह वीडियो एडिटिंग करने का है, आपका जुनून इसी तरह है कि हाँ मैं अब कामयाब हूंगा, हाँ दोस्तों मुझे पहले ये चीज नहीं आती थी बट मैंने इंप्रूवमेंट किया है, आज मैं अच्छे से एडिटिंग करता हूं, अच्छे से थंबनेल बनाता हूं और यहां पे अच्छे से मैं ग्रो हो रहा हूं, तो दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे दिमाग में पहले बात थी अब मेरे वो दिमाग में नहीं है, अब मुझे यहाँ पे सारी इंप्रूवमेंट के साथ काम करना है, अब मुझे यहाँ पे रियल और रियलिटी का
पता चल चुका है, आपके पास सब कुछ आपने सीख लिया है, अब आप वीडियो पब्लिश करोगे तो यकीनन दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक ग्रो होने लगता है। आपको पता रहता ही नहीं है कि अब मैं कैसे ग्रो हो रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल पे 6 महीने से वीडियोस आ रही है। तो ऐसे में अगर 6 महीने आपने काम किया, इसका मतलब अगर आप 2 दिन में भी एक वीडियो डाल रहे हो, अगर 1 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हो कि 36-18 यानी कि 180 वीडियो के करीब आपके पास यहां पे आपके चैनल पे होंगे। और 180 वीडियो से क्या 10 वीडियो नहीं चलेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, 10 वीडियो तो एटलीस्ट चलेगी। तो कहने का मतलब यह है, इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि एक यूट्यूबर मेहनत करते करते हार जाता है, एक हारा हुआ यूट्यूबर आगे नहीं बढ़ पाता है, वो हार ही जाता है। तो अगर आप भी हार गए हो, आपने कहावत सुनी होगी कि डर के आगे ही जीत है, और एक शाहरुख खान का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हारे हुए यूट्यूबर हो तो अब आपको उठना है, आपको जीतना है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, हर चीज में इंप्रूवमेंट लाके डे बाय डे वीडियोस अपलोड करनी है। ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं है कि वो आपकी वीडियो को वायरल नहीं कर सकता, ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं है कि वो आपको पंप नहीं मार सकता, ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं है कि वो आपके चैनल पे भूचाल ना ला दे। चैनल आपने ऐसे देखे होंगे कि उनकी वीडियोस पहले कुछ नहीं बनाते थे, आजकल वो वीडियो अच्छी बनाते हैं और उस वजह से उनको रिस्पांस भी मिलता है और आज उनका चैनल दौड़ रहा है, उड़ रहा है, व्यूज आ रहे हैं। तो ये वीडियो इसी वजह से मैंने बनाई है। अगर आप भी थक गए हो, हार गए हो और आपने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया है बट काम करने का मन नहीं करता है, तो आज आप एक कसम खा लो कि किसी भी कंडीशन में मुझे वीडियो तो डेली निकालने हैं। डेली नहीं, एक दिन छोड़ के आप वीडियो निकाल सकते हो, ऐसे में आपका YouTube चैनल भी ग्रो होगा। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपके कितने सब्सक्राइबर है और कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। यहाँ पे मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। With the things.